आज के वीडियो में हम लेके आए जो है डिजिटल फाइनेंस और इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके SSSC एग्जाम के लिए और बाकी जितने भी वनडे एग्जाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आज के। और आज के प्रैक्टिस सेट में समथिंग 55 के करीब हमारे पास यहाँ एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट आप मेरे साथ जो है शुरू से लेके लास्ट तक पूरा लगाइएगा। तो देखिए आज के प्रैक्टिस सेट का हमारे पास जो पहला ही क्वेश्चन है वो है, देखो ABRS की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो जो ABRS की फुल फॉर्म है वो होती है आपकी आधार बेस रेमिटेंस सर्विसेज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, देखो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखो आपको पूछा गया है कि AEPS का फुल फॉर्म बताना है। तो देखो जो AEPS का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। इसमें देखो आपको बताना है कि पैन का क्या अर्थ है, यानी आपका जो पैन कार्ड होता है उसमें पैन का पूरा नाम बताना है आपको। तो देखो जो पैन का फुल फॉर्म है वो होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें देखो आपको बताना है वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है। तो ये देखो जो वन टाइम पासवर्ड है वो देखो प्रत्येक बार चेंज होके आता है। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखो डिफरेंट फॉर एवरी SA, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखो आपको बताना है कि QR का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो जो QR का फुल फॉर्म है वो होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इसमें आपको बताना है कि QR कोड का मूल्यांकन है या फिर इसको जो स्कैन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो ये काम करते हैं हम कैमरे के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको बताना है कि UTR का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो UTR का जो पूरा नाम होता है वो होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखो आपको बताना है कि देखो B2B क्या होता है, यानी B2B का पूरा नाम बताना है। तो देखो जो B2B है ये होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें देखो आपको बताना है कि C2B का क्या अर्थ है। तो देखो जो C2B होता है वो होता है आपका कस्टमर टू बिजनेस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसके लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि POS क्या होता है। तो देखो जो POS है उसका पूरा नाम होता है यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आपको बताना है देखो कि USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं। तो देखो जो USSD जो मोबाइल बेस्ड सेवा है इसके लिए देखो हम *99# डायल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और इसमें आपको बताना है कि USSD को किसने लॉन्च किया था। तो ये देखो जो USSD सर्विस है ये NPCI के द्वारा लॉन्च की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला नंबर 30 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो जिसमें आपको बताना है निम्न में कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। तो देखो इंटरनेट बैंकिंग का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है। तो ये देखो आपका गेन आएगा इंटरेस्ट रेट।
यानी इसका इंटरनेट बैंकिंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल ये इंटरनेट बैंकिंग से होता है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर ये भी होता है। देखो, अकाउंट बैलेंस यानी स्टेटमेंट है वो भी हम चेक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इसमें देखो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। तो देखो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, देखो अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, देखो रिसेंट जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो भी देख सकते हैं, कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हम। तो यानी देखो ऑप्शन नंबर बी कैश विड्रॉ यही सही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो इसमें बताना है भीम का क्या मतलब है, यानी भीम का पूरा नाम बताना है। तो देखो जो भीम का पूरा नाम होता है वो होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और इसमें देखो आपको बताना है UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और इसमें देखो आपको बताना है कि उमंग का पूर्ण अर्थ क्या है, यानी उमंग का जो उमंग ऐप होता है उसका पूरा नाम बताना है यहाँ पे। तो ये देखो होता है आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और इसमें देखो आपको बताना है कि KYC से क्या आशय है, यानी KYC का पूरा नाम बताना है। तो देखो KYC का पूरा नाम होता है आपका नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को पहचाने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखो आपको बताना है आधार है, तो आधार देखो क्या है। तो देखो 12 डिजिट नंबर कार्ड है, तो ये बिल्कुल सही है। देखो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाई UIDAI, तो ये भी देखो बिल्कुल सही है। ये सेविंग अकाउंट देखो ये तो नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे ए और बी, देखो ए और बी दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो इसमें आपको बताना है कि आधार सीडिंग क्या है। तो देखो आधार सीडिंग क्या होती है, तो देखो आधार सीडिंग में हम अपने आधार नंबर को बैंक नंबर से जो है लिंक कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ आपका अटैच आधार विद बैंक अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखो आपको बताना है कि NIC की फुल फॉर्म क्या है, यानी NIC का पूरा नाम आपको बताना है। तो देखो जो NIC का पूरा नाम है वो होता है आपका देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर देखो 22, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखो आपको बताना है कि एक हब नेटवर्क डिवाइस से हम अधिक से अधिक कितने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। तो देखो जो एक नेट हब होती है उससे हम देखो अधिक से अधिक 24 कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपको बताना है देखो दो या दो से अधिक हवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम डेजी चेंजिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, तो देखो इसमें आपको बताना है यहाँ पे दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसके लिए हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो ये होता है देखो राउटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखो आपको बताना है कि
कि देखो सिग्नल को पुनः उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो सिग्नल को पुनः उत्पन्न करने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखो 26, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें देखो आपको बताना है दो लैन नेटवर्क जोड़ता है, तो देखो दो लैन नेटवर्क को कौन जोड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ब्रिज, यानी ब्रिज जोड़ता है इनको। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 27। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि एक बड़े और व्यस्त नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए देखो हम ब्रिज का प्रयोग करते हैं, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 28, तो इसमें देखो 28 में पूछा गया है कि विभिन्न मॉडमों पर कार्य करने वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसके लिए हम गेटवे का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 29, तो इसमें देखो ये आपका ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखो एक राउटर वायरलेस हो सकता है, तो एक राउटर वायरलेस हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है, सही है ये। देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो इसमें आपको बताना है यहाँ पे कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं ये नेटवर्क। तो देखो हमारे पास जो नेटवर्क है वो चार प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और इसमें देखो आपको बताना है कि देखो वैन की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो जो वैन का पूरा नाम है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन 32। तो देखो इसमें आपको बताना है, देखो पैन की फुल फॉर्म, देखो पैन की फुल फॉर्म जो पहले पूछी गई थी परमानेंट अकाउंट नंबर वो अलग थी, देखो यहाँ पूछी गई है ये पैन की फुल फॉर्म नेटवर्क के लिए। तो देखो नेटवर्क में जो पैन का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ 33। और देखो यह क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है कि देखो जो पिकोनेट ब्लूटूथ में अधिक से अधिक कितनी डिवाइस को एक साथ शामिल किया जा सकता है। तो देखो जो पिकोनेट ब्लूटूथ है हमारे पास में, इसमें हम अधिक से अधिक देखो 8 डिवाइस को शामिल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए हमारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पे 34। इसमें आपको बताना है कि जो हमारा टीवी रिमोट है वो क्या होता है, यानी किस प्रकार का नेटवर्क उसमें काम करता है। तो देखो टीवी नेटवर्क में पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क काम करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो 35। तो देखो इसमें आपको बताना है यहाँ पे कि आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो जो आर्पानेट का फुल फॉर्म है वो होता है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताना है आपको WWW की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी देखो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। और देखो इस क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बताना है कि जो WWW जो नेटवर्क है ये किसने बनाया था। तो ये देखो हमारा टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, तो देखो टिम बर्नर्स-ली ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और इसमें देखो आपको वही बताना है, देखो WWW जो नेटवर्क है इसे कब विकसित किया गया था।
तो देखो इसे जो है 1889 में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। तो देखो 39 में आपको बताना है कि URL की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो जो URL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है देखो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो, तो नंबर 40। तो देखो इसमें पूछा गया है IP की फुल फॉर्म क्या है, यानी IP का पूरा नाम बताना है। तो देखो जो IP का पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें पूछा है देखो टाइपराइटर का आविष्कार सन 1868 में किसने किया था। तो देखो किसने किया था टाइपराइटर का आविष्कार, तो देखो ये थे क्रिस्टोफर सोल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास 42। तो देखो इसमें पूछा गया है हमें सन 1714 में देखो लंदन में कीवोर्ड किसने बनाया था। तो देखो 1714 में जो पहला कीवर्ड बनाया गया था वो बनाया था हमारा हेनरी मिलने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 43, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और देखो इसमें हमको बताना है कि देखो CRT मॉनिटर 1897 में इसका आविष्कार किसने किया था। तो देखो जो CRT मॉनिटर का आविष्कार है वो किया था हमारा देखो कार्ल फ्रेडिनेंड ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो इसमें आपको बताना है कि सन देखो 1860 में कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। तो देखो 1860 में जो पहला कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया था तो ये किया था देखो डगलस एंजेलबर्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो इसमें आपको बताना है कि सन 1980 में लैपटॉप का आविष्कार किसने किया। तो देखो जो 1980 में लैपटॉप का आविष्कार किया था वो तो किया था देखो एडम ओसबोर्न, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन आपको ये भी जान लेना है कि देखो ऑप्शन जो हमारा क्या है, पहला लैपटॉप कंप्यूटर था जिसे पेटेंट कराया गया था, और इसे एक देखो जापानी कंपनी जिसका नाम था सेइको एप्सन, तो इसकी एक जो शाखा थी देखो सुहा सेइको था, तो इसने बनाया था इसे। और इसका देखो आविष्कार किया था यूको मोकोजावा, ये एक जापानी नाम है, तो उनके नाम देखो ऐसे ही होते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन है 46। तो देखो 46 में आपको बताना है कि रुपए का जो चिन्ह होता है ये वाला, ये किसने बनाया था। तो देखो जो रुपए का चिन्ह है वो देखो भारत में 15 जुलाई 2010 से शुरू हुआ था, और इसे डी उदय कुमार ने बनाया था। तो देखो डी उदय कुमार, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है देखो हमारे पास में 47। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 में आपको बताना है कि भारत सरकार की नोट छापने की कितनी टकसाल है। तो ये देखो जो भारत सरकार की नोट छापने की कितनी, 4 टकसाल है, और ये कहाँ कहाँ पर है देखो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो ये देखो कितनी, 4 टकसाल है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे 48। इसमें आपको बताना है भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है। तो देखो जो भारतीय नोट है इस पर 17 भाषाओं में लिखा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपको बताना है कि 2000 के नोट पर किसकी तस्वीर, यानी किसका चित्र है। तो देखो 2000 के नोट पर हमारा मंगलयान का चित्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 50। तो देखो इसमें आपको बताना है कि
कि 500 के नोट पर किसका चित्र है, तो देखो 500 के नोट पे आपका लाल किला है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 51 बताना है, 200 के नोट पर किसका चित्र है, तो देखो जो 200 का नोट है इस पे देखो हमारा क्या है, सांची का स्तूप है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन नंबर 52, तो देखो क्वेश्चन नंबर 52 में बताना है कि 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र है, तो देखो 100 रुपए के नोट पे क्या है, हमारी रानी की बाव, यानी ये गुजरात में, तो देखो गुजरात की रानी की बाव, ये ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 53, तो देखो क्वेश्चन नंबर 53 में आपको बताना है 50 के नोट पर किसका चित्र है, तो देखो जो हमारे पास 50 का नोट है इस पे क्या है, हमारे पास हम्पी में स्थित रथ का चित्र है, ये देखो यहाँ पे रथ होगा, इसको सही कर लेंगे, तो देखो हम्पी में स्थित रथ का चित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 54, देखो इसमें आपको बताना है कि 20 के नोट पर किसका चित्र है, तो देखो हमारा जो 20 का नोट है इस पे हमारा क्या है, माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान है, यानी ऑप्शन नंबर डी माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो अगला क्वेश्चन देखो, और ये देखो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इसमें आपको बताना है 10 के नोट पर किसका चित्र है, तो देखो हमारा जो 10 का नोट है उस पर देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखिए कैसा लगा आज का वीडियो, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और जितने भी नए व्यूअर आए वो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।